संबलपुर प्रशासन, पुलिस, हेल्थ और पर्यावरण महकमे ने एक अभियान में 4 मीट फैक्ट्रियों को बंद कराया है। फैक्ट्रियों पर गंभीर आरोप हैं। सदर तहसील क्षेत्र स्थित मीट और हड्डी की 4 फैक्ट्रियों को प्रशासन ने बंद करा दिया है। प्रशासनिक सूत्रों की माने तो गंदगी फैलाने, पर्यावरण निर्देशों की अवहेलना और गीली हड्डियों को खुले में रखने जिससे भयंकर दुर्गंध उठने जैसे आरोप हैं। फैक्ट्रियों में मनमानी नियम कानून की धज्जियां उड़ाने की सूचना के बाद अधिकारियों ने पहले फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया, फिर बंदी की कार्यवाही की। सदर SDM दीपेंद्र यादव ने बताया कि फैक्ट्री संचालक आवश्यक कागजात नहीं दिखा सके, इसलिए फैक्ट्रियां बंद कराई गई हैं। आज फिर अधिकारी फैक्ट्री संचालन के दस्तावेज चेक करेंगे। अलबत्ता फैक्ट्रियां बंद होने से बोन और मीट फैक्ट्री मालिकान में हड़कंप मचा हुआ है। मियावली गांव में जो सर फैक्ट्रियों पर छापेमारी की गई है, सर कुछ सील भी की गई है, क्या है जो सर? जी, मियावली में मीट एवं हड्डी फैक्ट्रियां हैं। 3 फैक्ट्रियों का मीट का लाइसेंस है और कुछ यहाँ पे हड्डी फैक्ट्रियां हैं। हम लोग नियमित निरीक्षण के तहत ज्वाइंट टीम ने निरीक्षण किया है, जिसमें मैं SDM संभल, CO संभल साहब, इसके अलावा पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी और फूड सेफ्टी के जो है अधिकारी इसमें शामिल हैं, और सब लोगों ने सहयोग इनका निरीक्षण किया है। इस निरीक्षण में हड्डी फैक्ट्रियों में खामियां पाई गई हैं। अभी विस्तृत जांच के लिए कुल मिलाकर के 3-4 हड्डी फैक्ट्रियां सील कराई जा रही हैं और इनके अभिलेखों का निरीक्षण करने के उपरांत जैसा पाया जाएगा फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या सर इसकी सर बदबुओं को लेकर के जैसा कोई पोर्टल पर भी जैसे शिकायत की गई थी मुख्यमंत्री पोर्टल पर? हाँ, पहले भी शिकायतें आई, हम लोगों ने उसका संज्ञान लिया है। आज जो सर कितनी फैक्ट्रियों को सील किया गया है? अभी कुल 4 फैक्ट्रियां सील की जा रही हैं। कितनी फ्रोजन फैक्ट्रियों पर छापेमारी की? फ्रोजन तीन है, छापेमारी नहीं, इनका निरीक्षण किया गया है। इसके अलावा और क्या कार्रवाई होगी इस चीज़ के अलावा? अब जो भी इनके अभिलेख हैं सबकी जांच की जा रही है, इनसे अभिलेख मंगाए गए हैं और हम लोगों ने निरीक्षण किया है। प्रथम दृष्टया इसमें खामियां पाई गई हैं, इसीलिए उसको सील कराया जा रहा है। विस्तृत जो है जो भी इनके अभिलेख हैं उनकी जाँच की जाएगी। इसके अलावा एक ट्रक यहाँ पर मीट फैक्ट्री के बाहर ऐसी खड़ी पाई गई है जिसमें संख्या से ज़्यादा पशु थे, जिसमें पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा एक कटिया जो है यानी फीमेल भैंस का बच्चा वो पाया गया है और डॉक्टरों के मुताबिक जो है 4 माह से ऊपर के मेल को तो कटान में ला सकते हैं लेकिन फीमेल को नहीं ला सकते हैं, तो उसमें भी कार्रवाई की जा रही है। सर जिन फैक्ट्रियों से जैसा दुर्गंध फैल रही थी उनको सील किया गया, क्या ऐसा उनके खिलाफ सर मुकदमा लिखने की भी सर कोई कार्रवाई की जाएगी? लगातार प्रदूषण है, उसकी विस्तृत जाँच की जा रही है, उनके अभिलेखों की, उनके कागजों की, उसके बाद जैसा पाया जाएगा उस हिसाब से जो है कार्रवाई की। ये जो सर अभी आपने जो सर ये चिमियावली गांव में सर जिन फैक्ट्रियों से प्रदूषण फैल रहा था उन पर कार्रवाई की है, सर क्या है सर पूरा मामला? प्रदूषण फैल रहा था इसकी शिकायतें कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल, IGRS वगैरह भी प्राप्त होती रही हैं, उन चीज़ों का संज्ञान लिया गया है। चिमियावली में 3 स्लॉटर हाउसेज हैं जिनका संयुक्त निरीक्षण रूटीन में किया गया है। इसके अलावा में जो हड्डी मिल हैं उनको निरीक्षण किया गया, तो कुछ दुर्गंध की समस्या पाई गई है तो उनको प्रशासन के साथ में सील कर दिया गया है, जो कि 4 इंडस्ट्रीज हैं। ऐसी फैक्ट्री हैं सर जिससे जो सर दुर्गंध फैल रही थी उनको सील किया गया है, क्या उनके खिलाफ सर कोई मुकदमा लिखाया जा रहा है सर आपके विभाग की तरफ? वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की। ठीक, थैंक यू।